अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल रात जो है अम्मी के घर रुकी थी, तो मैं जो है मॉर्निंग हो गई है और मैं देर से उठी हूँ क्योंकि रात देर से सोई थी। हमारी इरहा ने हमें सोने नहीं दिया। तो अभी का टाइम जो हो रहा है वो मैं साढ़े बारह का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अम्मी के घर में बाहर बैठी हूँ कॉरिडोर में हम इरहा के साथ, क्योंकि हवा इतने मज़े की चल रही है, बहुत मज़े की चल रही है हवा। और मैं आपको दिखाती हूँ, कॉरिडोर में भी कोई नहीं है। जी फ्रेंड्स, मैं अम्मी के घर से आके जो है मैंने खाना चढ़ाया है और अब मैं खाना बना कर और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ और देखते हैं कि अम्मी के घर से मेरे घर में मेरे साथ कौन चलता है। ये मिला छोटू मानो, कोई बात नहीं, ये वो वाला मानो है, बदमाश मानो है। हो रही है अजान और मज़ा आ रहा है, सुकून लग रहा है, बहुत सुकून। मैं ये कह रही थी कि सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को, लाइक करो यार, सपोर्ट करो। और ये रही मगरिब की अजान, तो सुकून से हम एक जगह बैठ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है अजान के बाद जो है हम बात करेंगे।
मजे बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। ऐसे मैंने आपको क्या क्या आता है बनाने बताइएगा। मुझे बहुत कुछ आता है, व्हाइट कढ़ाई आती है, चरसी कढ़ाई आती है, और आमलेट आता है, आलू बॉईल करने आते हैं, और पतीले में पानी भरना आता है। और क्या क्या आता है? और बहुत सारी चीज़ आती है, कौरमा बनाना आता है, बिरयानी का मसाला बनाना आता है। पका नहीं सकता बिरयानी, उसका मसाला बना के आगे रख दूंगा बस। क्या बात है। और चटनियाँ बनाना आती है मज़े मज़े की, ज़बरदस्त। चलो इंशाल्लाह सब रेसिपी शेयर करेंगे इनके साथ। सही है, मैं आपको बहुत जल्दी खाऊंगी। उमेर जाना ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मेरे साथ भुनाई करने में ही बनाए मैंने, ये भाई अचार गोश्त मैंने बनाया है, पर ये सिर्फ बुनाई करने में हेल्प कर रहे हैं। तो असल में मैं तो जाहिर सी बात है ना, बीवी की तो हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो हमारी हो गई बुनाई। करें माशाल्लाह हमारे साथ, देखे कितने मजे से हम लोग इस टाइम पे एंजॉयमेंट करके पका रहे हैं। देखे आपको खुद लुक भी नजर आ रहा होगा, कितना मजे का बना है माशाल्लाह। बाकी बहुत मजे का बन रहा है, फेस देख रहे हैं, इसका लुक देखें। आगे रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा, फिर आप हमें बताइएगा कमेंट में कि कैसी रेसिपी है। ठीक है, अब रमजान आ रहे हो और रमजान में जो है ना ये सारी रेसिपी जो है ना ज़रूर बनाइएगा, दावतों में खिलाइएगा, क्योंकि रमज़ानों में तो ज़्यादा दावत होती है लोगों की, तो वो खिलाएगा।